मांगे खुदा से, प्रार्थना करें कि परमेश्वर आज भी तू अपने वचनों के द्वारा हमें बड़ा ब्लेस कर चुका है। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर तू हमें स्वर्ग से आशीष दे चुका है, हमारे बंद रस्तों को खोल चुका है, हमारे हरेक रोग को खुदा अपने जीवित वचन से खत्म कर चुका है। ओ यस, इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, रिशाखा बाबा बाबा, थैंक यू जीसस। करते हुए मांगे खुदा से, मांगे उस पावरफुल वचन के लिए जिसको खुदा ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व दिया। मांगे परमेश्वर से कि खुदा आज अपना वचन स्वर्ग से भेज कर हमारी हरेक घटी को आप पूरा कर चुके, हमारी हरेक परेशानी का हल अपने वचनों में दे चुके हो, हमारी हरेक बीमारी का अंत आप अपने वचनों से कर चुके हो। यस खुदा, मांगे खुदा से, मांगे खुदा से, और मांगे कि कोई अंधकार की शक्तियां, पाप की शक्तियां मेरे जीवन से प्रभु तेरे जीवित वचनों को न चुरा पाए, तेरे जीवित वचनों को न चुरा पाए, तेरे जीवित वचनों को न चुरा पाए। मांगे खुदा से कि आज का वचन खुदा मेरे जीवन में 100 गुना फल लेकर आए। यस खुदा, मैं प्रार्थना करता हूं जो मैंने मांगा, जो प्रार्थना की खुदा तू निश्चय ऐसा यीशु मसीह के नाम से कर चुका है। आमेन, आमेन। एक बार जोर से तारीफ करेंगे उस खुदावन की, जोर से। तो कैसे लिखा, गलातियों 5:16 में, शरीर आत्मा के और आत्मा शरीर के विरुद्ध है, और ये दोनों क्या है, एक दूसरे के विरोधी है, क्योंकि शरीर कभी नहीं चाहता तुम किसकी इच्छा को पूरी करो। बोलो, शरीर कभी नहीं चाहता कि तुम किसकी इच्छा को पूरी करो, शरीर कभी नहीं चाहता। इसलिए बाइबल कहती है कि हर काम यत्न से करना है। कैसे होगा, हर काम कोशिश से, कोशिश से हो, अपने आप नहीं होगा। बोलो क्या है, हर काम कैसे होगा, कोशिश से, जतन से। प्रेयर रखी है यहां पे एक हफ्ते की, शरीर कभी नहीं चाहेगा, आप घर में बैठे रहोगे पूरा दिन, शरीर कभी नहीं चाहेगा कि तुम किसकी हजूरी में जाकर और बढ़ो। वीरवार की मीटिंग है, शरीर कभी नहीं चाहेगा कि तुम जाकर क्या करो, आज तुम तो फ्री हो, जाओ जाकर बचन बढ़ो। समझ आ रही, इसलिए लाभ उठाने वाले कौन लोग हैं, जो इन बातों पे ध्यान देते हैं। इसी लिखा, जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, और जो शारीरिक है वो शरीर की बातों पर मन लगाता है। बोलो क्या है, जो आध्यात्मिक है वो आत्मा की बातों पर मन लगाए, और आत्मिक जन को सुनो कभी गुस्सा भी नहीं आता। गुस्सा कैसे आता है, हाँ गुस्सा कैसे आता है, किसको आता है गुस्सा, जो शरीर में। बोलो क्या है, मैं अपनी टीम को भी कई बार टीच करता हूं, इन सब बच्चों को भी, तो कई बार इन्हें भी मेरी बात का क्या लगता है, तो कई बार मैं इन्हें समझाता हूं, इसलिए क्योंकि ये भी शरीर में जब होता है तो मैं किसी भी बात को किसी को भी थोड़ा सा, है ना, बोलो। पर बाइबल हमें ये बताती है, अगर आप इब्रानियों की पुस्तक पढ़ोगे ना, तो वहां पे परमेश्वर ने कहा कि जिसे परमेश्वर पुत्र बनाता उसे कोड़े भी लगाता, अगर कोड़े नहीं लगे तो तुम पुत्र नहीं हो, तुम अपने बच्चों को सुधारते कि नहीं हो, अगर बच्चा गलतियां करे तुम उसे थप्पड़ भी मारते हो, तो हम किसके बच्चे हैं, हाँ। अगर अगर तुम बहुत बढ़ना चाहते हो, बहुत आगे जाना चाहते हो, लिखा इसीलिए लिखा कि आत्मिक जन हर बात को सह लेता है पर शारीरिक नहीं। बोलो क्या है, आत्मिक जन हर बात को सह लेता और शारीरिक नहीं। यहां पे इसी गांव की संडे की बात है, एक लेडी आई, वो संगति में नहीं आती क्योंकि शायद उसके घर में कोई आने से प्रॉब्लम है उसे, तो लास्ट मीटिंग जब समाप्त हुई तब आई, उसकी बेटी को शायद दुष्ट आत्मा की प्रॉब्लम होगी,
तो लास्ट में आई मीटिंग में, तो मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था मीटिंग समाप्त होने के बाद, तो अभी मैं कुछ लोग मेरे सामने बैठे थे उनसे मैं बात कर रहा था, उनसे आगे निकल कर आगे उनको उनकी बात को कट करके कहती मेरी सुन लो पहले, मैंने जाना है। तो मैंने कहा रुको कोई बात नहीं, कहती बस प्रेयर ही करवानी है। तो मैंने अपनी मिसेज खुदा की दासी कहा ठीक है इनसे प्रेयर करवा लो, अगर प्रेयर ही करानी अपने कोई बात सीखनी नहीं है समझनी नहीं आपके पास टाइम नहीं है। बोले कि आपके पास टाइम है? टाइम नहीं है तो आपने खाली बस प्रार्थना करवाने आए हैं, क्योंकि मेरा मन आपको पता हमेशा होता है कि मैं हरेक को पहले सिखाऊं। प्रार्थना का विषय तो बड़ा नॉर्मल है ना, प्रार्थना कर दो चलो जी ये तो सौखा काम है। तो मेरी हमेशा ऐसे हर एक के लिए इच्छा होती है कि मैं उन्हें कोई, जैसे पौलुस कहता है ना जब भी मैं तुम्हें मिलूं तो मैं तुम्हें कोई आत्मिक दात दूं, जब भी मैं तुझे मेल करूं भेंट करूं आपसे, तो पौलुस कहता है मैं तुम्हें आत्मिक दात दूं, आत्मिक लाभ की चीज दूं। तो मैं हमेशा ही मेरे जब भी कोई मुझसे मिलता है तो मेरे मन में होता है मैं उसे कोई लाभ की चीज आत्मिक चीज जिससे उसका जीवन बढ़े। पर उसने कहा मैं तो बस प्रार्थना ही करानी। मैंने ठीक है फिर प्रार्थना करने से करवा लो। बोले क्या है जब वहां यहां से खुदा की है ना दासी से वो प्रार्थना करके तो चले गए, अभी कोई टीम मेंबर नहीं है, खुद मेरी मिसेज खुदा की दासी है। देखो जब शरीर एक इंसान होता है अपने घर जाकर, बोले क्या है अपने घर जाकर, ये इनके पास ही उनका घर है, तो उन्हें बोलती मैंने मेरा नाम लेकर के मैंने प्रार्थना की, उन्होंने प्रार्थना की, मैंने तो नहीं जाना जूना कर दी, मैंने क्या कहा, मैंने उनसे प्रार्थना करने के लिए कहा जबकि मैंने कर दी, खुदा की दासी ने कर दी। अरे कोई टीम मेंबर नहीं है, कोई समझ नहीं, खुद मेरी खुदा की है ना दासी ने उनके लिए, फिर भी कहती मेरे लिए प्रार्थना नहीं की, मैंने तो नहीं चर्च जाना उनकी। जब ऐसे इंसान करते हैं और शराब को लेकर आते और शराब को कमाते, ऐसे जब शरीर की चीजें करते हैं ना और शराब को लेकर आते, यही तो चीज चाहता है शैतान के मसीह लोग करें। बोलो क्या, यही चीज तो चाहता है कि शैतान उनका मन खराब करे। क्यों लिखा, बोलो क्या, नीति वचन 4:23 कहता 4:23 में लिखा ना, सबसे ज्यादा राखी किसकी कर, अपने मन की कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरे मन से। ज्यादा राखी सबसे ज्यादा किसकी कर, अपने मन की कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत, क्योंकि मसीह लाइफ मसीह जीवन क्या है मसीह लोगों को समझना पड़ेगा। अगर आए और प्रेयर नहीं की, ये नहीं किया, यीशु मसीह कई लोगों को कहता था जाओ तुम्हारे विश्वास ने किया, वो सबके लिए प्रार्थना नहीं करता था, कईयों को कुछ कहता था, कईयों को कुछ बोलते थे वो, कईयों को कुछ कहते थे, तो लोग जो उनके मुंह से आता था वो सुनते। पर यहाँ पे ऐसे लोग हैं शरीर में, उन अगर प्रेरित नहीं करूं मैं वैसे वचन दे दूं जाओ जाकर ये करो, अगर वो शरीर में तो वो गुस्सा करेंगे, यहां से तो चले जाएंगे, पर वो ये विश्वास नहीं करेंगे। हाँ वो खुदा के दास है, परमेश्वर के अभिषिक्त दास है, खुदा ने अपने काम के लिए उन्हें नियुक्त किया है। बोलो क्या किया है, जो वो बोल रहे हैं वो मेरे लिए, बोलो क्या है, वो मेरे लिए। जैसे यीशु मसीह के पास एक राजा का राज कर्मचारी आया, जब यूहन्ना 4:4 में पढ़ते हो ना, तो क्या आया एक राजा का, उसने आकर विनती की प्रभु मेरा पुत्र बड़ा बीमार है और मरने पर है। बोलो क्या है, वो मरने पर है, मरने पर, तो जल्दी चल क्या कर मेरे। तो शमसी ने कहा हे अल्पविश्वासियों मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूं, क्या रहूंगा मैं तुम्हारे, ऐसे करके बात की। उसने वचन दिया जा तेरा पुत्र जीवित, क्या जा तेरा पुत्र, क्योंकि वो तो उसे लेने के लिए आया था अपने घर साथ, अगर वो शरीर में होता तो उसने क्या करना था, जिद करनी थी, ओ नहीं नहीं प्रभु वो तो ठीक है गल तुसी, नहीं तुसी चलो तुसी चलो। पर उसने यीशु मसीह के मुंह से सुनी हुई बात का विश्वास किया। बोलो क्या किया,
यीशु मसीह के मुंह से सुनी हुई बात का क्या किया? आपने क्या करना है? देखो, जो भी परमेश्वर यहां पे आपको देता है, बोलो क्या है वो? किसकी ओर से है वो? किसकी ओर से है? लुका 21:37 में लिखा, जो वचन परमेश्वर की ओर से है वो प्रभाव रहित नहीं है, वो प्रभावशील है। अगर आपने, अगर आप आत्मिक हो तो आपको पता है, अगर आप शरीर में हो तो गुस्सा करोगे, मन खराब करोगे। इसलिए परमेश्वर कहते हैं, सबसे ज्यादा राखी अपने मन की कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत तेरे मन का है। कई बार शैतान हमेशा आपके मन पर अटैक करता है। कई बार शासी विश्वासियों से ही शैतान अटैक करेगा, वो भी उनका मन खराब कर देंगे। विश्वासी विश्वासी का क्या कर देगा? मन खराब, ओ नहीं उत्थे तो ऐंदा उंदा, हाँ वो तो ऐसे करते हैं, वहां पे तो ऐसे होता है, हाँ वो ऐसे करते हैं, वो सही नहीं है, ऐसे हैं, हाँ। और जो लोग कुछ ऐसे बुद्धि से करेंगे वो और क्या करेंगे, वो और बुरियाई करके क्या करेंगे? समझ आ रही है? और उस चीज को, और कई लोगों को तो ऐसी शैतान बुद्धि बंद करता, वो हमसे बात भी नहीं करेंगे कि आपके बारे हमें किसी ने ऐसे कहा है, आपके बारे हमें किसी ने ऐसे कहा है। समझ आ रही है? इसलिए अगर आप आत्मिक हो, बोलो क्या हूं? अगर आप क्या हो? आत्मिक हो, आत्मिक हो, ना तो आप गुस्सा करोगे, और आप कभी भी, जैसे वहां पे लिखा ना, शरीर का काम भी प्रगट है और आत्मा के भी प्रगट, शरीर के भी प्रकट और आत्मा के भी। चलो पढ़ते हैं क्या है शरीर के काम क्या है, ताकि आपको समझ आ जाएगी। फिर जब आपके अंदर वचन होगा, बोलो क्या है आपको वचन? जब आपके अंदर वचन होगा तो फिर आप किसी भी बात के लिए मन खराब, किसी भी बात से आप गुस्सा, फिर निराश नहीं होंगे। कितनों का समझ आ रही है? कितनों का समझ आ रही है? मैंने कहा तो मेरा विश्वास है कि आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आत्मिक उन्नति में लेकर जाएगा, बड़ी उन्नति में लेकर जाएगा, बड़ी। और जब बड़ी आत्मिक उन्नति में आप बढ़ जाते हो, शैतान आपका कुछ भी बगाड़ नहीं सकता। बोलो क्या है? आपको पता है, एक उदाहरण दी थी मैंने पिछले दिनों में आपको, एक 3 भाई थे। बोलो क्या? तो बड़े भाई की शादी होगी, ना उनके माता थे ना पिता, तो जब घर से तीनों आए, बोलो क्या आए? काम से वापस अपने घर में तीनों भाई आए, बड़े वाला और उससे छोटे दो। बड़े की शादी होगी, तो जब खाना लेकर, बोलो क्या, बड़े की पत्नी जब खाना लेकर आई, तो शैतान ने, क्योंकि वो किसको किसको जानने वाले थे, समझ रहे हो, तो शैतान ने उससे ज्यादा नमक डलवा दिया। एक थका हुआ बंदा जब काम से आता है, अगर उसे खाने को ऐसा खाना मिलेगा तो गुस्से से वो क्या करेगा? हाँ, आ जाता ना कई बार, तो उसने ज्यादा नमक डलवा दिया कि आज इनके घर में मैंने क्या करनी है, लड़ाई कलेश करानी है। जब बड़े भाई ने जब खाई तो उसे पता था कि नमक है। जब आप आत्मा में हो गए तब समझोगे, अगर आप आत्मा में नहीं हो तो क्या करोगे? जब बड़े वाले ने जब खाना खाया, उसने देखा इतना नमक, यार जैसी सब्जी, बोले क्या है? जहर जैसी सब्जी, कौड़ी, तो उसने आराम से खा लिया। बोलो क्या? उसने आराम से वो खाकर चले गया। दूसरे वाला आया, उसने मुंह में एक बाइट डाली, ओ ये क्या है? उसने सोचा कि अगर वो चले गए तो फिर मुझे क्या है, वो भी चला गया। तीसरे वाला है, वो भी चला गया, और तीनों खाकर चले गए। अब शैतान हैरान हो रहा है, तो मैं तो आज इनके घर में कलेश कराना चाहता था, मेरी तो जुक्ति क्यों लिखा? शैतान की जुक्तियों से वो कई जुक्तियां लड़ाता है, कई काम करता है। बोलो क्या है? वो कई जुक्तियां बनाता है, और कई, कितनों का समझ आ रही, वो कई जुक्तियां बनाता और कई
बोलो क्या है उसका यही काम है। कई बार किसी को किस तरफ से नेगेटिव कर देगा, कईयों का किस तरफ से मन खराब कर देगा, कईयों का किस तरफ से कर देगा, समझ आ रही है। पर अब अगर आप आत्मिक हो, बोलो क्या हो, फिर आप ऐसा नहीं करोगे, आप हर बात को समझोगे। हाँ, इसीलिए कहा शरीर के काम प्रकट हैं और आत्मा के भी। शरीर के क्या है, चल पढ़ो क्या लिखे शरीर के, तो सारे नोट करो, ध्यान से सुनो, पढ़ो जल्दी, 18 से पढ़ो। शरीर के काम तो प्रगट हैं, अर्थात व्यभिचारी, कंधे काम, लुचपना, मूर्ति पूजा, टूना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, ढा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। तो कुछ काम ये लिखे ऐसे ऐसे और भी काम हैं। बोलो क्या ऐसे ऐसे, तो क्या लिखे काम, फिर से पढ़ो, ध्यान से सुनो सारे, फिर से पढ़ो दोबारा। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, अर्थात नंबर एक व्यभिचार, और गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टूना, बैर भी रखते ना, बैर और झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डा मतवालापन, डा मतलब गुस्सा, ये किसके गुण है, बोलो किसके गुण है, ये शरीर के तो हैं या मगर ये किसके गुण है, बोलो किसके गुण है, शैतान के। अगर आप आत्मिक हो तो आत्मा का पहला फल क्या है, प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, दयालगी, तीरस। अगर आप आत्मिक हो, आत्मा का फल आपके अंदर है, तो आप दया करने वाले बनोगे, आप धीरसवंत बनोगे, हर चीज में धीरस रखोगे। बोलो क्या है, धीरस संबंध है ना, अब धीरस रखोगे, क्योंकि बाइबल कहती है धीरस का प्रतिफल बड़ा है। बोलो क्या है, जैसे कुछ लोग 10 दिन 1 महीना 2 महीने कुछ समय आए, हुआ नहीं हुआ, कई बार तो लंबे समय तक भी विश्वासियों के शैतान मन क्या करता है, उनको भी क्या कर देता है। मैंने देखा साल साल दो दो साल अच्छे लोग बने होते हैं, उनके जीवन में काम भी हुए, गवाहियां भी दी उन्होंने, पर फिर साल दो साल बाद जाकर शैतान उन्हें परमेश्वर से दूर कर दे। इसका कारण क्या, बोलो इसका कारण कि साल दो साल में उनके जीवन में काम हुए, पर साल दो साल बाद वो फिर क्या हुए, क्योंकि वो आत्मा की बातों को समझे। बोलो आत्मा की बातों को वो समझे, क्योंकि जो आत्मा की बातों को वो समझ आता है, वो कुछ भी हो जाए, वो शद्रक मेशक अबेदनगो और दानियल देवास जैसे वो खड़े रहते। हाँ, चाहे फिर आग का, बोलो कहें आग की, वो आग का पट्ठा क्यों नहीं है, बोलो कि आग का पट्ठा क्यों नहीं, उसमें भी पढ़ने के लिए क्या हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है। इसलिए वो राजा को कहते हैं, आज चाहे हमारा परमेश्वर बचाए चाहे ना बचाए, पर हम तेरी मूर्ति के आगे, क्योंकि लिखा मूर्ति पूजा, बोलो क्या है अपने पड़ोसी को, पाप है, मूर्ति पूजा पाप है। इसलिए शद्रक मेशक अभिनंदन को मूर्ति के आगे झुके झुके नहीं, बोलो क्या नहीं है, वो झुके नहीं है, झुके नहीं, समझ आ गई मेरी बात, बोलो क्या है, वो झुके नहीं, झुके नहीं। इसलिए उन्हें राजा को कहा, राजा आज चाहे बचाए चाहे ना बचाए, पर हम जानते हो बचाने की शक्ति रखता है कि नहीं रखता, कितने शास करते कि वो रखता है, कितने विश्वास करते कि वो रखता है, करते हैं विश्वास, करते हैं, क्योंकि वो रखता है। बोलो क्या है, आपको चंगा करने की,
वो ताकत रखता है, आपको ऊंचा करने की ताकत, पर जितने उसके वचन को मानेंगे और पूरा करें उन्हें ऊंचा करने की और चंगा करने की ताकत। इसलिए यीशु मसीह के पीछे भीड़े चलती थी, पर 12 साल की स्त्री क्यों ही चंगी होगी? इन चीजों को हमने सीखना है। बोलो क्या है? जैसे एक भीड़ को यीशु मसीह ने जब 2 मच्छियां 5 रोटियों से कितने लोगों को रजाया, तो लिखा वो भीड़ यीशु मसीह को फिर ढूंढ रही थी। बोलो क्या रही? तो जब दोबारा वो लोग मिले तो वो कहते यीशु मसीह हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, आप कहाँ चले गए चले गए? तो यीशु मसीह ने कहा तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो कि तुमने रोटियां खाकर तुत हुए, तुम इसलिए मुझे ढूंढते हो। बोलो क्या हो? तुम मुझे इसलिए ढूंढते हो कि रोटियां खाकर तुत हुए, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करना, उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो तुम्हें अनंत जीवन देता है, जो सदा का जीवन देता है, नाशवान चीजों के लिए नहीं। बोले क्या? कहता तुम रोटियां खाकर तुत हो इसलिए मुझे ढूंढते हो, कहता नाशवान भोजन के लिए, उस भोजन के लिए मेहनत करो जो तुम्हें अनंत जीवन देता है। पर ये सारे काम जतन से होंगे, कोशिश से हो। बोले क्या होंगे? अपने आप मन कभी नहीं कहता, इसलिए कहता आत्मा शरीर आत्मा के और आत्मा ये विरोधी है। बोले क्या है? ये बड़ी जल्दी निराश हो जाता है, ये बड़ी जल्दी उदास हो जाता है, इसे बड़ी जल्दी गुस्सा लगता है। बोले क्या है? क्या लगता है इसे? समझ आ रही ना? हमें से स्कूल कितने पढ़े हैं? स्कूल मैं आपको आत्मिक डांट बारे और संसार की डांट के बारे आपको बताता हूं। हमें से कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़े? जब हम स्कूल पढ़ते थे अगर हम कुछ भी गलत करें तो हमें डांट पड़ती थी। मैं तो जिस स्कूल में पढ़ा हूं वो तो बहुत वहां पे तो बड़ी सख्ताई थी। बोलो क्या है? अगर कोई सुबह 9 बजे से लेट जाए स्कूल तो उसे लाइन में खड़ा करते थे, पहले 1 घंटा खड़ा रखते थे, फिर वो हाथ पर क्या मारते थे? क्या मारते थे हाथ पर? क्या मारते थे? सोटी चपटी भी बोलते है ना, सोटी भी और चपटी, ऐसे नहीं धीरे से नहीं, जब वो मारते हाथ ऐसे करते थे, पर वहां पे नहीं ना गुस्सा करते थे, स्कूल छोड़ते थे, पर यहां पे लोग गुस्सा करते हैं, संगति भी छोड़ देते हैं, कई कुछ कर देते, यही फर्क है। और जिस दिन ये बातें लोगों को समझ आ गई उस दिन वो ऊंचा होंगे। बिना टेस्ट टेस्टामनी नहीं है, अगर आप टेस्ट में पास नहीं हुए तो आपकी टेस्टामनी, अगर आप टेस्ट में पास हुए तो टेस्टामनी बनेगी, अगर आप टेस्ट में पास नहीं हुए तो टेस्टामनी। जब लोग फॉरेन जाते हैं तो फॉरेन जाने के लिए लोग आईलेट्स करते हैं ना, अगर अच्छे बैंड नहीं आए तो वो वजह, हाँ मजदूरी में जा सकते हैं, अच्छे काम के लिए नहीं जा सकते, तो अच्छे बैंड के लिए अच्छा कुछ करना पड़ता है। समझ आ रही है? इसलिए ये बहुत जरूरी है। बोलो क्या? ये बहुत जरूरी है। तो तैयार हो बढ़ने के लिए, प्रभु की इच्छा में चलने के लिए, शरीर की चीजों को छोड़ने के लिए, आत्मा की चीजों में बढ़ने के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो परमेश्वर तैयार है। जितने लोग आत्मा में बढ़ेंगे, मैं सच्ची कहता हूं, मैं इस बात की घोषणा करता हूं, प्रोफेसी करता हूं कि जितने लोग आत्मा में रहेंगे उन पर परमेश्वर की कृपा दृष्टि रहेगी, उन पर नजर रहेगी, सच्ची नजर रहेगी उनको, जो खुदा से लव करते हैं, प्यार करते हैं। बोलो क्या करते हैं? उन पर दृष्टि रहेगी। बोलो क्या है? यूसुफ के भाइयों में से परमेश्वर यूसुफ को क्यों चुना? बोलो क्या है? यूसुफ को ही क्यों चुना? यूसुफ को क्यों ही मिश्र का राजा बनाया जबकि वो तो सबसे छोटा था? बोलो यूसुफ जो जकूब का बेटा था सबसे छोटा,
बोलो यकूब का सबसे छोटा बेटा यूसुफ, क्योंकि यूसुफ अच्छे मन वाला था। बोलो क्या, यूसुफ अच्छे मन वाला था, साफ मन वाला था। बोलो क्या था, साफ मन। चाहे उसके भाइयों ने उसके साथ क्या किया, आपको पता ना उसके साथ उन्होंने क्या किया, वो क्या, जब उसने अपने दर्शन के बारे बताया तो वो बड़े थे, वो समझ गए ये तो हमारे ऊपर ही राज करेगा, तो उसने कहा, कुछ लोगों ने, भाइयों ने सलाह किया इसे मार देते हैं, हाँ उसे जंगल में ले गए, मारने की तैयारी कर दी। एक ने कहा नहीं नहीं ये पाप है, ये बुरा है, हाँ परमेश्वर देखेगा, तुम ऐसा करो इसको खड्डे में फेंक दो, अपने आप कोई जानवर इसे खा जाएगा, क्या कर देगा। तो कहीं ने, किसी ने कहा कि अगर ये, दूसरे ने कहा अगर ये खड्डे से निकल आया, ये कोई इसे निकाल दिया, ये बच जाएगा, फिर ये घर आएगा और पंगा पड़ जाएगा। तो एक इतने में एक क्या आ रहा था, काफला मिश्रियों का, वो कहते हैं इनको बेच दो, क्या कर दो। जब यूसुफ बेचा गया, बोलो क्या गया, तो बेचने के कारण जो परमेश्वर का प्लान था, जो उसकी बुलाहट थी उसके जीवन की, वो क्या हुई। कई कई बार लगता है जब हम शुरू में आते हैं, जैसे यूसुफ सोचेगा मेरे तो बचपन में दुख आ गए, कई बार हमें लगेगा कि मैं मसीह में हूं मेरे तो जीवन में दुख ही दुख है। नहीं, क्योंकि हर दुख के बाद किसकी महिमा, हर दुखों के बाद किसकी महिमा, क्योंकि यूसुफ की जीवन में स्टार्ट में बचपन में दुखों ने स्टार्ट किया ना, बचपन में, पर वो अपने टेस्ट में क्या हुआ, शैतान ने उसे गिराना चाहा ना, पाप में गिराना, पर वो गिरा नहीं, वो अपने टेस्ट में पास हुआ, इसलिए वो मिस्र का राजा बना। क्या बना, मिस्र का राजा बना। इसलिए यूसुफ को क्यों ही परमेश्वर ने इस काम के लिए चुना, क्योंकि यूसुफ एक अच्छे मन, चाहे उसके भाइयों ने उसे बुरा किया, जब अकाल पड़ा उसके भाई उसके मिस्र में आए तो उसने सख्ती नहीं की, बुरा बर्ताव नहीं किया, उनसे प्यार किया, रखा, गले लगाया, ये होती है। बोलो क्या है, कईयों को हो सकता कोई शरीर में होगा तो उन्हें लगेगा मेरा मन ऐसा है, पर मैं सबसे दिली प्रेम करता हूं, दिली प्रेम कर, बोलो क्या करता हूं, दिली प्रेम करता हूं सबसे, बोलो क्या करता हूं, दिली प्रेम करता हूं सबसे। हाँ छोटी मोटी कोई भी है तो कई बार डांट देनी पड़ती है लोगों, हाँ समझ आ रही है, पर ऐसा नहीं है, परमेश्वर जानता है। बोलो क्या है, परमेश्वर जानता है, और मेरा विश्वास है कि आज से जितने आत्मा की बात को समझेंगे, आत्मा में चलेंगे, उनके जीवन सेम नहीं रहे। आमीन ऊंचे वाला चाहिए, मैंने कहा उनके जीवन सेम नहीं रहेंगे, आप बदल जाओगे और परमेश्वर आपको इस दुनिया में ज्योति की तरह प्रकट कर देगा। आप अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ आज के वचन के लिए। अगर आप ज्योति की संतान बनना चाहते हो, शरीर के कामों को छोड़कर आत्मा की बातों में बढ़ने के लिए तैयार हो, आत्मा शरीर के कामों को त्याग कर आत्मा की बातों में चलने के लिए तैयार हो, तो मेरा विश्वास है खुदावंद आज इन वचनों से आपके जीवन सेम नहीं रहने देगा। अगर आज से आप शरीर के सारे कामों को त्याग कर अपने मन को फिराओगे, गुस्से वाली भावना को, उस आत्मा को, उस क्रोधता को, ईर्ष्या को, जलन को, ये सारे विरोधता को, ये सारे शरीर के काम है, जब आप छोड़ोगे तो खुदावन का रूह आपके अंदर बड़े कार्य करेगा, वो बड़े काम करेगा, जो आपने सोचा भी नहीं वो ऐसे काम करेगा। इसलिए जब तक शरीर की चीजें हम अंदर रखते हैं, शैतान का वचन हमारे अंदर रहेगा, तो परमेश्वर कैसे काम करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, अच्छा अच्छा भंडारी वो है जो अपने भंडार से अच्छी और बुरी चीजों को निकालता है। आज अपने मन से उन बुरी चीजों को निकालो, बुरी बातों को निकालो, संदेह की आत्मा को, डर के आत्मा को निकालो अपने मन से, निकालो यीशु मसीह के नाम से, अपने अंदर से
उन बुरी भावनाओं को, बुरे विचारों को, बुरी सोचों को, क्योंकि शुनु क्या अच्छा गृह स्वामी, अच्छा भंडारी, अच्छा गृह स्वामी वह है जो अपने भंडार से अच्छी और बुरी चीजें निकालता है। अगर वो अच्छी निकालता है तो अगर बुरी अंदर आ गई है तो वो बुरी भी निकालता है। इसलिए आज उन सब बुरी बातों को अपने मन के अंदर से निकालो, निकालो, निकालो अपने अंदर से, क्योंकि जब हम अंदर से उन बुरी चीजों को निकाल देते हैं, अब जब हम, मैंने कहा आपके अंदर से वो बुरी चीजें निकल जाती है, तो खुदावंद के जब आप वचन को पूरा करते हो, जब खुदावंद के आत्मा के फलों को पैदा करते हो, तो आत्मा के फल जब आपके जीवन में आते हो, तो खुदा का रूह आपको छूता है। जब खुदा का रूह आपको छूता है, आपके जीवन, मैंने कहा, सेम नहीं रहते। जब वो आत्मा आपके अंदर आता है तो आपका जीवन सेम नहीं रहता। थैंक यू जीसस करते हुए आज के वचन के लिए धन्यवाद करो। यस खुदावंद, मैं श्वास करती हूँ, मैं श्वास करती हूँ, आज से मैं कोई भी शरीर का विषय नहीं प्रकट करूंगी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अपनी बुलाए और चुन लिए जाने को बली बाती समझने का यतन करो, कोशिश करो, क्योंकि हर काम कोशिश से होगा, अपने आप नहीं होगा। शरीर कभी नहीं चाहेगा कि तुम परमेश्वर की इच्छा को, उसकी मर्जी को पूरा करो, शरीर कभी नहीं चाहेगा। इसलिए शरीर के कामों को त्यागो और आत्मा के कामों में आ जाओ। इसे लिखा, शारीरिक व्यक्ति आत्मा की बातों को नहीं समझते, पर जो आध्यात्मिक है, जो आत्मिक है, वो समझते हैं, और जितने समझते हैं उनके जीवन फिर सेम नहीं रहते, वो आगे बढ़ते हैं, वो ज्योति की तरह चमकते हैं, वो इस दुनिया में प्रकट हो जाएंगे, उनके जीवन से परमेश्वर प्रकट हो जाएगा, लोग आपको जानेंगे कि आप कौन हो, आप किसकी संतान हो, आपका पिता कौन है, आपका बाप कौन है, लोग आपको जानेंगे। थैंक यू जीसस करते हुए धन्यवाद करो कि आज से मैं कोई भी शरीर का विषय नहीं पूरा करूंगी, कोई भी शरीर का विषय नहीं पूरा करूंगी, किसी भी मैं शरीर की बात से लेकर अपने मन को खराब नहीं करूंगी, मैं मन को खराब नहीं करूंगी, हर बात के लिए अपने मन से डांटो उन शरीर को, चीजों को, यीशु मसीह के नाम से, मैंने कहा शरीर की उन चीजों को डांटो यीशु मसीह के नाम से, डांटो यीशु मसीह के नाम से, कि हर शरीर की बुरी चीज, विरोधता की, गुस्से की आत्मा जो खुदा की ओर से नहीं है, मेरी बॉडी से, मेरे जीवन से, मेरी सोच से, मेरे घराने से आउट करो यीशु मसीह के नाम से, आउट करो, मैंने कहा यीशु मसीह के नाम से आउट करो, उस आत्मा को, बीमारी के आत्मा को, डले के आत्मा को, करस के आत्मा को, संदेह के आत्मा को, जादू की आत्मा को आउट करो यीशु मसीह के नाम से। बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है, बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है, बोलो तेरा कोई अधिकार नहीं है। मैं यीशु के लहू से खरीदी गई हूं, मैं यीशु के लहू से खरीदी गई, तेरा शैतान कोई अधिकार नहीं है, तेरा कोई अधिकार नहीं है, उसे आउट करो यीशु मसीह के नाम से, उसके सामर्थ्य से। बोलो चल शैतान, मेरी सोच से, मेरे घराने से, मेरे परिवार से आउट करो, बोलो आउट, आउट, चला जा, बोलो शैतान चला जा, चला जा मेरे जीवन से, हर शरीर की चीज, हर शरीर की चीज मेरे शरीर से चला जा, हर गंदगी का आत्मा, गंदगी की सोच का आत्मा मेरे जीवन से चला जा, विरोधता का आत्मा मेरे जीवन से चले जा, गुस्से की आत्मा का मेरे जीवन से चला जा, आलस का, सुस्ती का आत्मा मेरे जीवन से चला जा, जो खुदावंद की बातों को समझने मुझे रुकावट देता है, उस आत्मा को डांटो और निकालो, निकालो यीशु मसीह के नाम से, वो चला जाए, चला जाए, चला जाए, चला जाए आज, चला जाए यीशु के नाम से। यस इन द नेम ऑफ जीसस, यस खुदा, मैं घोषणा करता हूं इनकी, मैं जितने भी लोग आज आए मेरे खुदा तेरी हजूरी में, और जितने भी हमें ऑनलाइन आज इस पाठ को देखें, खुदा तू इस प्रार्थना के द्वारा उन्हें भी छू चुका है। यस इन द नेम ऑफ जीसस,
उन्हें भी छू चुका खुदा। जितने बीमार आए खुदा ये बीमार ना जाए, ये बीमार ना जाए खुदावन। तेरा आत्मा एक एक को छुए आस खुदावन, तेरा आत्मा एक एक को छुए, एक एक को छुए। हर गिल्टियां पत्थरियां रसौलियां आज चाहे सुमसी तेरे सामने, हर तरह की इनकी बॉडी में जो पेन्स है, दर्दे हैं, जो भी इनके प्रॉब्लम है शरीर में, घुटनों में, हड्डियों में, पेट में, कंधों में, सिर में, बाजुओं में, हर तरह की वो पेन्स, हर तरह की हड्डियों के रोग, हर तरह की प्रॉब्लम आज इनकी बॉडी को छोड़कर जाती रहे, इनकी बॉडी को छोड़कर जाती रहे, इनके शरीर को छोड़कर जाती रहे, इनके शरीर को छोड़कर जाती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस मैं आख्या करता हूं यीशु के नाम से, शैतान हर अंधकार की गंदी आत्मा, बीमारी का आत्मा, जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से, इसी क्षण मैं आख्या करता हूं यीशु के नाम से, मैं आख्या करता हूं राइट नाउ इसी समय खुदावन, मैं तेरी दुनाम सामर्थ को, तेरी पावर को इनके शरीरों पर रिलीज करता हूं, मैं रिलीज करता हूं खुदावन तेरी पावर को इसी क्षण। हर अंधकार की वो आत्मा, गुप्त आत्मा जो इनके शरीर में कार्य कर रही है, बीमारी का आत्मा जो इनकी फैमिली में, इनके बच्चों में काम कर रहा है, हर रुकावट की आत्मा, हर संदेह की आत्मा राइट नाउ इनके घराने से, इनके जीवन से, सोच से वो चाहे चाहे इसी समय, चाहे इसी समय, चाहे इसी समय यीशु मसीह के नाम से, और ये आजाद हो जाए प्रभु तेरे नाम से, ये फ्री हो जाए, ये चंगे हो जाए, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। चल शैतान, पूरी तरह से एक एक की बॉडी से, एक एक के शरीर से, इनके अंगों से मैं तुझे कमांड करता हूं, मैं कमांड करता हूं इसी समय, मैं आख्या करता हूं यीशु के नाम से, मैं आख्या करता हूं इसी समय, मैं आख्या करता हूं यीशु के नाम से राइट नाउ। जितने हार्ट के पेशेंट है, जिनकी हार्ट बीट सांस फूलती है, जिनका हार्ट की नसें ब्लॉक है, वो खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से, इसी समय खुल जाए राइट नाउ, इसी समय खुल जाए। रीढ़ की हड्डी का दर्द, चूलों का दर्द, हिप का दर्द, कंधों का दर्द, चाहे इन द नेम ऑफ जीसस, चाहे इन द नेम ऑफ जीसस। हर नशे की आत्माएं चाहे, हर कलेश की आत्माएं चाहे, हर जादू की आत्मा चाहे, हर टूने की आत्मा चाहे, ओ ये आजाद हो जाए प्रभु, ये आजाद हो जाए खुदा तेरे जीवन, ये आजाद हो जाए खुदा। आज तेरे घर में इनका आना सेम ना रहे, ये सब के ऊपर खुदा मैं तेरी पावर को रिलीज कर देता हूं, इनके अंगों पर, इनके घराने पर, परिवार पर, हर शैतान के बंधन टूट जाए यीशु तेरे नाम से, सारे शैतान के बंधन टूट जाए इसी समय, ये आजाद हो जाए, ये आजाद हो जाए, ये आजाद हो जाए, ये आजाद हो जाए, ये आजाद हो जाए खुदावन, तेरी पावर से, तेरी पावर से होली स्पिरिट, तेरी पावर से टच, द पावर ऑफ होली स्पिरिट, रिसीव करो उसकी पावर को, टच, टच द पावर ऑफ होली स्पिरिट। खुदा तेरी पावर को उनके शरीरों पर रिलीज करता हूं इसी समय, इनके पेट का इम्यून सिस्टम सही हो, इनके पेट का इम्यून सिस्टम सही हो, इनके आंखों के रोग चाहे, कानों के रोग चाहे, सब बवासीर के रोगी, गैंठिए के रोगी हील हो जाए, आसाद हो जाए, आसाद हो जाए। इनकी बॉडी में जो इन्फेक्शन है, पेट में इन्फेक्शन है, वो चली जाए, इनकी हर रिपोर्ट नॉर्मल आए, इनका हर रुका हुआ काम यीशु तेरे नाम से खुले, इनकी इनके बच्चों की शादियां, हर तरह की प्रॉब्लम, हर तरह के कर्ज टूट जाए खुदा तेरी जीवित शक्ति से, टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, और ये आसाद हो जाए, ये फ्री हो जाए, आसाद हो जाए खुदा, एक एक आसाद हो जाए खुदा तेरी जीवित शक्ति से, तेरी जीवित नाम से, ये आसाद हो जाए, आसाद हो जाए खुदा, आसाद हो जाए, आसाद हो जाए तेरी जीवित नाम से खुदा। मैं घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ इनके ऊपर, मैं ब्लेसिंग की घोषणा करता हूँ इनके ऊपर खुदा,
ये आजाद हो जाए पूरी तरह आज तेरे जीवित नाम से आजाद हो जाए खुदा। ये सेम ना रहे खुदा, तेरी पावर से ये छूट जाए इन द नेम ऑफ जीसस। अगर आप आमीन बोलकर ऊंचा ये रिसीव कर रहे हो, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये मैंने कहा हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ पूरा हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है। आपकी बॉडी के अंदर के जख्मों को मैं सूखते हुए देख रहा हूं, उन्हें उसका असर खत्म होते हुए देख रहा हूं, उसका असर मैं खत्म होते हुए, मैं असर उसका खत्म होते देख रहा हूं, उस कलेश के आत्मा का असर खत्म होते देख रहा हूं, उस बीमारी के आत्मा का असर खत्म होते देख रहा हूं मैं। ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, मैंने कहा ये हो रहा है। रिसीव करो और आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु मसीह के नाम से, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम से, आमेन।